मैं आ रहा हूँ यहाँ कुंजापुरी टेम्पल। सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वो यहीं से ही दिखता है। इतनी ज़्यादा हाइट पे है, जैसे प्रसाद वगैरह अगर आपके पास हो ना तो ये एकदम से झपट्टा मार देता है। जब भी हम व्लॉगिंग करते हैं ना तो हम चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बढ़ाते हैं। मौसम देख रहे हो यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों यार मैं आ रहा हूँ यहाँ कुंजापुरी टेम्पल। तो जो व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से नहीं है, वो अभी पीछे की तरफ से, सामने की तरफ है देखो टेम्पल। तब तक सीढ़ियाँ चढ़ता, तब तक आप व्लॉग को देखो शुरू से। तो यार दोस्तों व्लॉग की शुरुआत करते हैं नटराज चौक से, काम करते हैं ट्रैफिक से निकलते हैं दूर, देन करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो दोस्तों यार ट्रैफिक को भी हम छोड़ के आ गए और ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर ट्रैवल स्टोरी पे। तो आई नो कि यार दोस्तों आप लोग बोल रहे होंगे कि यार काफ़ी टाइम हो गया है और ब्लॉग से एक मंथ हो गया होगा क्योंकि मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। तो अनफॉर्चुनेटली यार मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जिस वजह से यार मैं ब्लॉग डालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। एंड देट वॉज़ अ वेरी रियली मतलब हार्ड टाइम फॉर मी कि यार मतलब मेरे को बिल्कुल ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। एक्चुअली मेरी बॉडी में बिल्कुल ऐसी जा रही थी कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। फिलहाल नाउ आई एम वेल। आज अपन जा रहे हैं कुंजापुरी टेम्पल क्योंकि वहाँ से जो नज़ारा है ना वहाँ से अल्टीमेट है यार दोस्तों। एंड वैसे काफ़ी समय हो गया ना कि यार ब्लॉगिंग की नहीं है, एक महीना हो गया है। तो मे बी कि शायद आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे इसमें मेरे बोलने के तरीके हो गए जो। तो फिलहाल तो चलते हैं कुंजापुरी टेम्पल और यहाँ से कुंजापुरी टेम्पल पड़ेगा 24 किलोमीटर। नटराज से जो नरेंद्र नगर है वो है 16 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर पड़ता है अपना कुंजापुरी टेम्पल। देखिए यहाँ पर इस भाई का यार चलान हो गया है। ऋषिकेश से जब निकले थे ना तो यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। आगे यार देख रहे होंगे सामने की तरफ धूप बहुत तेज़ हो रही है और जैसे जैसे नरेंद्र नगर में हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे यार मतलब जो कोहरा है वो लगना शुरू हो चुका है। तो आज लाइफ में पहली बार यार मैंने सुपर बाइक देखी और ये देखो यार मतलब देखो रोड पे यार ये इतना सारा फॉग हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो कुंजापुरी से 3 किलोमीटर पहले जो रास्ता पड़ेगा ना वो तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है यार उसको। आई मीन यार उसमें ना मतलब इतनी अच्छी वो, सबसे पहले तो ये कि रोड जो है वो काफ़ी पतली होगी। ये रॉयल एनफील्ड है, ये आई थिंक सेकेंड टाइम जाने वाली है। तो देखो दोस्तों ये आ गया कुंजापुरी चौक और अपन को जाना है राइट साइड को, सामने है हनुमान जी का मंदिर। ये रास्ता जाता है कुंजापुरी के और सच में यहाँ से जो नज़ारे है ना सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वो यहीं से ही दिखता है। अब जो सड़क है वो जो बहुत ज़्यादा पतली पतली हो गई है तो मतलब यहाँ क्या होता है कि अगर जैसे टू व्हीलर अगर कोई भी फोर व्हीलर आ रही होगी दोनों साइड से तो उसमें ये भी बैन करने में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब एक को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल टू व्हीलर के लिए ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ट्रॉक्स आया हूँगा जब मैं बीकॉम फाइनल के एग्ज़ाम दे रहा था तब आया था मैं यहाँ पर, उस टाइम पर तो जो रोड थी ना यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ से देखो मतलब पीछे जो वेदर है वो बिल्कुल ही अलग है और आगे जो वेदर है वो अलग, क्यों? क्योंकि यार ये देखो यार यहाँ से नज़ारा देख रहे हो यार क्या खूबसूरत है। क्या है कि यहाँ तक आते आते यार पता नहीं क्या हुआ मेरे गले में ना मतलब आवाज़ देख रहे होंगे मेरी काफ़ी चेंज लग रही होगी। तो ये सामने की तरफ जो स्टेयर देख रहे हो ये काफ़ी दूर तक है, आई मीन यार यहाँ से मतलब 200-300 मीटर की दूरी पे ही मतलब टेम्पल। और इसी तरह से ये जो केज लगी हुई है ऐसी जाना है।
पहुंच गए टेंपल पे और पीछे हमने शूज उतार दिए। सामने है मंदिर का द्वार, तो ये है मंदिर कुछ इस तरह से। देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब देख लो यहाँ पर कितनी सारी घंटियाँ हैं और उनमें ये जो लाल रंग की चुन्नी जो लगा रखी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है इसको। यहाँ पे सारी की सारी दुकानें, अगर प्रसाद वगैरह अगर लेना हो तो जो नीचे पार्किंग है जहाँ पर हमने बुलेट लगा रखी है वहाँ पर भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। तो क्या है ना कि यार देखो मैं यहाँ से अंदर से तो ज़्यादा विजिट कराऊंगा नहीं, क्योंकि यार देखो भक्ति है और वैसे भी ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए कि यार मतलब आप वीडियो लेके जा रहे हो, तो मैं थोड़े से यहाँ के दर्शन कराता हूँ जितना पॉसिबल होगा। अब मैं आ गया हूँ टेंपल की बैक साइड में और यहाँ से जो नज़ारा है ना वो इतना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर ना फॉग हो गया यार। और ये ना कि यार इसमें ना मतलब जो भी रेनी टाइम होता है मानसून में क्या होता है कि यार देखो हमेशा यही डर रहता है कि यार मौसम साफ़ होना चाहिए तो तभी आपको मतलब पूरे नज़ारे अच्छे से दिखेंगे, बट ठीक है। पर यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा हो रखा है और अच्छा लग रहा है। तो ना यहाँ पर ना अगर कभी भी आओ ना, पर एक डर बहुत ज़्यादा वो है, ये देखो वानरों की सेना, हनुमान जी की सेना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे प्रसाद वगैरह अगर आपके पास हो ना तो ये एकदम से झपट्टा मार देता है और मतलब सुनते भी नहीं है किसी की भाई, क्योंकि वो उल्टा अगर इनको मारने के लिए जाओ ना मतलब डराने के लिए तो ये उल्टा आप पे अटैक करते हैं। ये इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि यहाँ से जो भी मतलब जितना भी नज़ारा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये है मंदिर के देखो बैक साइड, और वहाँ देख रहे होंगे अगर यार वहाँ पर फॉग कितना ज़्यादा फैलने में लगा है। यहाँ पर जब भी मतलब टेम्पल के पास में आना देख रहे हो जो ढोल बजा रहे होते हैं वो किस तरह से बजते हैं और अच्छा सा माहौल लगता है। एक साल के बाद में मैं टेम्पल गया हूँ, ये लास्ट व्लॉग देखा होगा आपने मेरा मावगढ़ का, जो कि हमारे पौड़ी गढ़वाल में ही है, अभी मेरे गांव के पास में ही है। इतना खूबसूरत है ना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था वहाँ जाके, अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया था तो ये जो गैप हुआ इस वजह से, तो ये जो तबीयत ख़राब हुई थी तो उसके कारण हुआ था ये। अदरवाइज देखो मौसम देख रहे हो यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से यार दोस्तों ठंडी हवा चल रही है, मतलब अभी तो बाल इतना ज़्यादा है नहीं मेरे, अदरवाइज यहाँ मेरे बाल उठ रहे हैं, इसके तो उठ रहे हैं, हल्के हल्के उठ रहे हैं। यहाँ देखो कितना बढ़िया लग रहा है। जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं ना तो हम चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बढ़ाते हैं, पर इस समय ये चीज़ें नहीं है, इस समय जो भी है वो नेचुरल है। तो यार दोस्तों अपनी बुलेट है ये, हम लोग आ चुके हैं नीचे की तरफ में, यहाँ से निकलते हैं। तो भाई यार मौसम तो हो गया है बहुत ही ज़्यादा सुहाना, तो इसलिए अपन ने सोचा है कि यार चलो नीचे जल्दी से उतर जाना। तो एक्चुअली क्या है कि यार नीचे भी एक हनुमान जी का मंदिर है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार देखो जब भी आप टेंपल आओ ना आसपास जो भी मंदिर हो उसके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। इसका भी एक अपना एक तजुर्बा है मेरा, पास्ट में मेरे चला गया था। चलते हैं हनुमान जी के टेंपल, चलते हैं नीचे की तरफ जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको टेंपल दिख रहा होगा, इस मंदिर के भी हमने दर्शन कर लिए यार, और मतलब सच में आज के जो दर्शन है बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। मौसम देख रहे हो कैसा हो गया, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई है, तो इससे पहले हम लोग भीग जाए यार यहाँ से निकलते हैं। तो भाई यार हम लोगों ने यार नाश्ता कर लिया, नाश्ते में यार मतलब यार ब्रेड पकौड़ा और पकौड़े खा के तो इतना मज़ा आ गया ना, और गरम गरम चाय। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग, देखो यार बारिश स्टार्ट हो गई है, और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मेरा ये एक महीने के बाद जो ये व्लॉग है यार, मतलब कुछ अगर इसमें गलतियाँ हो कुछ कमी हो तो यार मुझे प्लीज़ यार मुझे प्लीज़ बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नए नज़ारे के साथ में और किसी और नई जगह के साथ, तब तक चले।